सुग्नि, कभी कभी मजबूरी में लिए गए फैसले सही साबित होते हैं, क्योंकि जिस काम में हमारी मर्जी नहीं होती शायद भगवान की मर्जी होती है, और वो कभी गलत नहीं होता। अब देखो ना, हमारी कहानी कहां से शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, और आज जिंदगी ने हमें किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। मतलब ये सुग्नि कि किस्मत को शायद यही मंजूर था कि हमारा रिश्ता ये रूप ले, लेकिन एक वादा करता हूं तुमसे, जिंदगी भर तुम्हारा अच्छा दोस्त बन के रहूंगा। तुम थक गई होंगी, आराम कर लो। एक काम करो, तुम इधर ही सो जाओ, मैं वहां सोफे पे सो जाता हूं। नहीं, ये क्या कर रही हो सुग्नि? हमें जमीन पे सोने की आदत है, आप इतने आराम से सो जाइए, हम ठीक हैं। हम इस परिवार के टूटने की वजह नहीं बनना चाहते। नहीं, नहीं करेंगे ठाकुर मालक से ब्याह, और छोटे ठाकुर को भी छोटे रिश्ते से मुक्त कर देंगे। जिंदगी भर ठाकुर मालक से प्यार करेंगे, हमेशा के लिए उनके होकर रहेंगे, बिना उन्हें पाए उनकी प्रेम दीवानी होकर रहेंगी उम्र भर। भगवान ने किस्मत बदल दी तुम्हारी, लेकिन तुमसे अपनी आदत नहीं बदली गई। ऐसा क्या है तुम नाचने वाली के खून के अंदर जो तुम्हें एक मर्द का होकर रहने नहीं देता? इस हवेली की ठोकराइन बनकर पैसा और ताकत पाने का जो सपना देख रही हो ना, हमारे जीते जी वो संभव नहीं है। ठाकुर मालक, आप शायद कभी हमें समझ नहीं पाए, और ना ही किस्मत ने हमें मौका दिया आपको समझने का, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपकी जान ले सकते हैं? आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि हमने आदित्य ठाकुर से शादी काहे की। काश हमें समझते आप, तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाता। कैसा लगा? तुम्हारा जो स्वागत किया हमने यहाँ पर कैसा लग रहा है? तुम्हारा स्वार्थ भरा सपना पूरा हुआ है जो इस घर की बहू बनने का, आदित्य की पत्नी बनने का। तुम मानो या ना मानो थोड़ा बहुत तो योगदान हमारा भी है उसमें। धन्यवाद दो हमारा। सुगनी तुम्हें एक बात बताएं, जो बर्बादी हमने पिछले कुछ दिनों में सही है ना, जितना हमारा दिल सिसका है प्यार और खुशी की तलाश में, उस सब का दर्द हम तुम्हारी आंखों में देखेंगे। अब ऐसी हालत कर देंगे तुम्हारी कि रो उठती कि तुमने जिंदगी में ऐसा सपना देखा भी तो क्यों। सामने रहने वाली कसम खा के कह रहे, एक मौका नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने का। इतना बड़ा खेल खेल गई हमारे साथ, हमें कहती रही कि आदित्य के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और तुम्हारा हर कदम आदित्य से रिश्ता बनाने के लिए आगे बढ़ता रहा। कम से कम अपनी एक चाल में तो कामयाब हुई तुम, आदित्य की पत्नी तो बन गई। और क्या लगा था तुम्हें कि शरीर पे दिए घाव तो विक्रम ठाकुर की जान ले नहीं पाए, तो आत्मा में घाव दो ताकि विक्रम ठाकुर अपनी मौत को तरसे। हम नहीं समझ सकते आपको, जहर भर लिया आपने अपने अंदर की, कचू दिखाई नहीं देता आपको। हमने कभी आपको मारने की। संभल कर सुगनी, संभल कर रहना। जो आंसू है ना बचा के रखो इनको, जिंदगी भर जरूरत पड़ेगी तुम्हें इनकी। क्योंकि ब्याहता तो अब तुम आदित्य की कहलाओगी लेकिन प्यार हमारा ही रहोगे। तुम्हें क्या लगा था आदित्य से शादी करोगे हमसे पीछा छूट जाएगा तुम्हारा? हम तो चले भी गए थे घर छोड़कर तुम्हें बुलाने के लिए, पीछा तो छूट ही गया था ना। फिर क्यों हमें छेड़ा तुमने? क्यों हालात पैदा कर देंगे कि तुमसे नफरत करना हमारा अकेला मकसद बन गया? सुगनी क्यों? कोई बात नहीं, देखो हारना तो तुम्हें है ही, कसम खा के कह रहे हैं तुम्हें अपना तो बना कर रहेंगे। और तुम्हारा जो ये नाम का पति है ना, वहां पे खड़ा होकर तमाशा देखेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। तुम पर हम मर मिटने को तैयार थे सुगनी, पर अब तुम्हें मिटाने की पूरी तैयारी करके बैठे। क्या करें, प्यार था ना तुमसे, इसलिए ना। बुरा मत मानना, बर्बादी हमने पिछले कुछ दिनों में सही है ना, जितना हमारा दिल सिसका है प्यार और खुशी की तलाश में, उस सब का दर्द हम तुम्हारी आंखों में देखेंगे। अब ऐसी हालत कर देंगे तुम्हारी कि रो रुकी कि तुमने जिंदगी में ऐसा सपना देखा भी तो क्यों। गुड मॉर्निंग सुग्नी, सवेरे की सैर के लिए जा रहा हूँ, परेशान मत होना। आप इतने क्या कर रहे हैं? आप चले जाइए इतने से। ठीक है, जाते हैं। हमसे कोई सवाल पूछने में अच्छा नहीं लगता। हमारे साथ रिश्ता निभाया होता है तो इसी तरह से होते हम दोनों प्यार से। और ये क्या माजरा है भाई? ये सुहाग रात के दिन नीचे दो बिस्तर लगे हुए हैं, एक पर पति एक पत्नी। क्या हुआ? अब तेरी सुहाग अब तेरी शादी बताए। सच्चे ठाकुर हैं हमारी बारी आने तो तुम्हारी ये सारी की सारी शिकायतें बिल्कुल दूर कर देंगे। धमकी उसे दीजिए जो आपसे डरती हो। इसलिए क्योंकि आज तक विक्रम ठाकुर अपने पे उतरे नहीं, अपनी वाली पे उतर आए ना। आज तक तुम्हारी जिंदगी में हम ठंडे हवा बन कर, अब तुम देखो तूफान। क्या हुआ? क्या हो रहा है? हाँ? दर्द हो रहा है? ऐसा ही दर्द तुमने भी हमें दिया है, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को। सबसे ज्यादा घटिया थी तो तुमने ये खेला कि जो इंसान तुम्हें भगवान की तरह पूछता था उसको भगवान के सामने मौत के घाट उतारने की कोशिश की तुमने। हमने नहीं बुलाया आपका मंदिर, हम नहीं मारना चाहते थे आपको, हम तो बचाने आए थे। विश्वास की दहलीज बहुत पहले पार कर चुकी हो तुम। अब तुम्हारे मुंह से ना ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। समझ में आई बात? समझ में आई। मैं नहीं जानता था मामा जी कि आप इतना नीचे भी गिर सकते हैं। लो भाई, आ गया तुम्हारा नकली पति। नहीं नकली नहीं, मतलब नाम का पति, तुम्हें बचाने के लिए। आदित्य, लेकिन तुम्हें ना वो मर्द वाली बात होती है ना, नहीं मर्द वाली बात बिल्कुल नहीं है तुम्हारे अंदर। क्योंकि क्या है ना कि औरत सिर्फ रक्षा के लिए बड़े हुए हाथ पसंद नहीं करती है, वो चाहती है कि वो हाथ जो है उनको सहलाए भी, उनको थामे भी। खैर वो सब चीजें तो तुम्हारे बस की है नहीं। क्योंकि क्या है, तुम्हारा रिश्ता ही उधार का है। सुग्नि, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बताएंगे कि असली ठाकुर क्या होता है। हम बताएंगे तुम्हें। और आदि, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सुग्नि को बचाकर तुमने उसका प्यार पा लिया है, बहुत गलत लगता है। क्या है ना कि तुम्हारी किस्मत में हमारी जूठन खाना ही लिखा है। तुम्हें तो आदत होगी बचपन से। इतना जान लो, जब भी कभी सुग्नि के पास जाओगे ना, तो हमारी मौजूदगी और हमारी खुशबू पहले से मिलेगी तुम्हें वहां पर। आप उसकी चिंता मत कीजिए मामा जी, मैं अपने आंख नाक कान सब बंद कर लूंगा। आप चाहते क्या हैं? कि मैं मामा भांजे का रिश्ता भूल जाऊं? मामा भांजे की मर्यादा तुम उसी दिन भूल गए थे जिस दिन सुग्नि के गले में वरमाला डाली थी तुमने। अब हमारे बीच में सिर्फ एक रिश्ता बचा है, दुश्मनी का। ये क्या? तुम्हें चोट लगी? नहीं नहीं, वो तो ऐसी चूड़ी चुप गई इसलिए चोट लग गई। दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा। ये मामूली चोट नहीं है। एक मिनट रुको। इधर बैठो। नहीं, हम ठीक। सुग्नि, ऊपर बैठो प्लीज। नहीं लगी तुमको? दर्द नहीं हो रहा? अब नहीं हो रहा। हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। सुग्नि, रहने दो ना, घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, किसी को बोल देंगे बना के ले आएगा। और तुम तो जानती हो घर का माहौल कैसा है अभी। हम संभाल लेंगे, हम अभी हैं। सुग्नि, मैं तुमसे वादा करता हूं, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूं तुम्हारी सुबह बहुत खराब निकली, बट आई प्रॉमिस तुम्हारी शाम उतनी ही अच्छी होगी।